क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये पॉलीनोमियल का, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता और गलत सलत कर देते हैं। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसको अच्छे से देखना, लाइफ में कभी गारंटी लेता हूं मैं गलत नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन, हमेशा समझे ध्यान से देखना अच्छे से क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ की इज थ्री और जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है, मतलब के की किस वैल्यू के लिए ये थ्री इस पॉलीनोमियल का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले हम पॉलीनोमियल लिख लेंगे, क्या लिखा हुआ है जी, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एक्स, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जब भी हमें ऐसे लिखा हो इस थ्री और जीरो या कुछ भी वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को ये थ्री को जहां जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे पुट कर दो। तो क्या कह रहा हूं मैं, जहां जहां पे मुझे x लिखा है वहां पे 3 को पुट कर दो, तो 2 और 3 की जगह यहां पे भी 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस k इंटू 3, आ गया यहां तक समझ में। अब इसको सोल्व करना है और इस साइड क्या कर देना है, इस f ऑफ 3 को जीरो कर देना है, मतलब क्या कर देना है जीरो। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2 ऐसे ही रहा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू के, वो मतलब 3 ऐसे रहा प्लस के इंटू 3 मतलब 3 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 प्लस 3 के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 21 प्लस 3 के। अब क्या करेंगे, इस 21 को इधर लाएंगे, तो 21 इधर आके कितना हो जाएगा 0 माइनस 21 इज इक्वल टू 3 के, आया समझ में यहाँ तक 3 के। अब क्या करेंगे, माइनस 21 और ये 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो मतलब डिवाइड में इक्वल टू के, तो के इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से माइनस का 7, मतलब के इक्वल टू माइनस 7 के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 रखने पे 0 हो जाएगी इसकी। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी, आसानी से कर लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लिया अच्छे से, तो समझ में आ गया। तो देख लिया आपने ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है ये, एमसीक्यू में तो जरूर आने के चांसेस है, अगर ये एमसीक्यू में नहीं आया तो वन वाले में शॉर्ट आंसर में जरूर आएगा। तो अच्छे से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड में पूछा गया है 2 नंबर का। अच्छी लगे तो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।